नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप। सुशील गुप्ता जी कैथल पहुंचे हैं। गुप्ता जी, कैसा लग रहा है आपको अब तक? अच्छा लग रहा है, बहुत सुखद लग रहा है। और जनता ने जो निर्णय लिया है वो मत पेटियों से बाहर आ रहा है धीरे धीरे। मार्जिन की अगर बात की जाए तो मार्जिन सर बहुत कम आ रहा है, कांटे की टक्कर जो लगातार दिख रही है। कहीं ना कहीं नवीन जिंदल 1 लाख की लीड के दावा कर रहे हैं। देखिए, मुझे ये विश्वास था कि मैं 2 लाख वोटों से जीतूंगा और अभी भी मुझे विश्वास है कि मैं अच्छी मतों से जीतूंगा। हरियाणा की बात की जाए सर, बढ़त कई सीटों पे कांग्रेस की दिख रही है। हरियाणा में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो चुका है और केंद्र के अंदर भी मुझे पूरा विश्वास है, जो दल डरा के धमका के बीजेपी ने अपने साथ जोड़ रखे था वो उनका साथ छोड़ देंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेंगे। क्या सर चुनाव में क्या लगा, लोग जो है किस तरह का माहौल अब चाहते हैं प्रदेश में? लोग चाहते हैं लोगों बच्चों को रोजगार मिले, कानून व्यवस्था ठीक हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, एम्प्लॉयज़ को उनकी मांगें पूरी मिले, किसान को सम्मान मिले, उसको MSP मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले। अब तक के रुझान में कितने आश्वस्त हैं जीत को लेकर? पूरा आश्वस्त हूँ, पूरा। तो आंकड़े अभी कुछ ही देर में सामने आ जाएंगे, तो सबसे ज़्यादा कहाँ से मान रहे हो कि लीड आने वाली है? ये तो आपके सामने आ जाएंगे थोड़ी देर में, मगर जीत हम रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष व कुरुक्षेत्र जो लोकसभा है प्रत्याशी सुशील गुप्ता, जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं। कैथल पहुंचे थे, फिलहाल अपनी जीत को लेकर पूरे आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं और जनता की जो बात की है कि जनता जो मुद्दों को लेकर अबकी बार वोट कर रही है। कैथल से पंजाब केसरी के लिए जयपाल रसूलपुर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।